हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक, स्पेशली इन जर्मनी एंड अराउंड यूरोपियन कंट्रीज। तो आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं हम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से, क्योंकि मैं आपको एक छोटा टूर दे रही हूँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट कैसा है जर्मनी का। स्पेशली अगर आप पहली बार जर्मनी आ रहे हो, आप मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आओगे। तो ये एक छोटा वीडियो है जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का डिपार्चर, अराइवल और टिकट्स वगैरह लेनी होगी तो कहाँ से ले सकते हो। और ये है टर्मिनल 1 का डिपार्चर हॉल, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी फ्लाइट्स है और कौन सी टाइमिंग है उनकी। और लास्ट मोमेंट आपको टिकट्स लेनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे डेस्क बने होते हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एयरपोर्ट पे ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मशीन्स लगी है जहाँ पे आप वीडियो कॉल करके आपको कुछ सवाल है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हो। आप जब एयरपोर्ट पे लैंड हो जाते हो और आप आपके बैगेजेस कलेक्ट करते हो, डेफिनेटली आपकी ज्यादा बैग्स होगी तो आपको ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी मशीन्स लगी रहती है। तो इन मशीनों में आपने 1 यूरो पे करना है। एक्चुअली ये कैशलेस मशीन है तो यहाँ पे आपके कॉइन्स या यूरोस एक्सेप्टेड नहीं होंगे, इसीलिए आपको कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, गूगल पे भी है, एप्पल पे, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सारे कार्ड ऑप्शंस है। यहाँ पे बस आपने आपका कार्ड इंसर्ट करना है और उसके बाद ये बस ट्रॉली निकालने के लिए इसको प्रेस करके ऐसे बाहर निकालनी है। और ये है मेरे पीछे फ्रैंकफर्ट टर्मिनल 1 का अराइवल सेक्शन, जो अराइवल C8 है। यहाँ से जब आप बाहर आते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप ट्रेन ले सकते हो, कार, टैक्सी ऐसे ले सकते हो। तो ये है बेसिकली एग्जिट जहाँ पे आपको टैक्सीज मिलेगी, बस मिलेगी और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ से मिलेगी आपको शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। जहाँ पे आपको टिकट्स मिलेंगी लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन के लिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस बेसिकली जब आप फ्रैंकफर्ट में आते हो और आपको फ्रैंकफर्ट एरिया पे या फिर हेसन रीजन की ट्रेन चाहिए, तो उसके लिए आपको शॉर्ट डिस्टेंस S-Bahn लेनी होगी जो कि प्लेटफॉर्म 1, 2, और 3 पे मिल जाएगी आपको। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है स्पेशली फॉर बिग सिटीज लाइक स्टुटगार्ट, म्यूनिक, बर्लिन, इनके लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन लेनी होगी जो आगे जाके है। आप बोर्ड पे दिख ही लोगे कि जहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का, उसके हिसाब से आप वहाँ पे पहुंच सकते हो। और ऐसी मशीन्स लगी होती है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो, जैसे ये RMB की मशीन है जहाँ पे आपको फ्रैंकफर्ट और हेसन रीजन के लिए जो ट्रैवल करना है आपको उसकी टिकट्स मिल जाएगी। और यहाँ पे है ये रेड कलर का जो है, ये है डॉयचे बान की टिकट मशीन। तो यहाँ से आप फ्रैंकफर्ट से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जैसे म्यूनिक, बर्लिन, स्टुटगार्ट ऐसे बड़ी सिटीज की भी टिकट ले सकते हो। और एयरपोर्ट पे बहुत जगहों पे इन्फॉर्मेशन डेस्क बने हुए रहते हैं, जैसे आप मेरे पीछे एक इन्फॉर्मेशन डेस्क देख सकते हो। यहाँ पे ये लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं, तो कुछ भी हेल्प चाहिए तो ये लोग असिस्ट कर देंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे राइजेस एंड रूम ऐसे ऑफिसेस भी बने हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है टिकट्स लेते हुए उनकी मशीन्स में, ऐसे आप इनके ऑफिस में जा सकते हो और ये लोग आपको हेल्प कर देंगे टिकट बुक करने में। टर्मिनल 1 के अराइवल से जब आप बाहर आते हो तो आपको दिखेंगी ये टैक्सीज खड़ी हुई, तो यहाँ से आप टैक्सीज ले सकते हो या यहाँ पे बस स्टॉप भी है जो कि एग्जैक्टली अराइवल्स के ऑपोजिट ही है। और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, इसके एक्चुअली 2 टर्मिनल है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। तो अगर आपको 2 टर्मिनल्स के बीच में भी अगर ट्रैवल करना है तो ऐसी यहाँ पे शटल सर्विस होती है जो कि फ्री होती है, तो ऐसी आप बस ले सकते हो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाने के लिए या टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 आने के लिए। जर्मनी जब आप आते हो तो आइडियली आपने करेंसी एक्सचेंज पहले ही करवा के लेके आना चाहिए, तो आपके पास कुछ यूरोज होने चाहिए। बट इन केस अगर आपको इमरजेंसी है और आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है यूरोज में, तो ऐसे बहुत जगहों पे यहाँ पे ऐसे करेंसी एक्सचेंज के काउंटर्स लगे रहते हैं, वहां पे आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। बट आई डाउट कि आपको यहाँ पे रेट अच्छा मिलेगा, तो वो सारी चीजें चेक करना और उसके हिसाब से आपको अगर ये सर्विस लेनी है तो आप ये भी ले सकते हो। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक करना और भी लोगों के साथ इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे। और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ऑफ वीडरज़ेन।